नमस्कार दोस्तों, आज मैं सोनालिका DI 750 2011 मॉडल का कस्टमर रिव्यू करने आया हूं और हमारे सामने खड़े बलविंदर जी। बलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो बताइए इस ट्रैक्टर की खूबियां क्या क्या है इसमें? सर ये खूबी है, कब लिया था आपने ये? 2011 में लिया। और सेकेंड हैंड लिया था कि नया लिया था? सेकेंड हैंड। कितने रुपये में लिया था? 4 लाख रुपये में। 4 लाख रुपये में ये पूरा इंजन लिया था आपने? पूरा। तो टायर वगैरह कैसे थे उस समय? कंडीशन नए थे। और कैसा अनुभव रहा इसके साथ अभी तक? बहुत बढ़िया, शानदार, जी जान से भी प्यारा है। और कभी कोई दिक्कत आई हो? कोई। अच्छा, आपने सर्विस कहाँ करवाई इसकी आज तक? हम तो मिस्त्री के यहाँ करवाते। कभी आपने इसकी एजेंसी में सर्विस करवाई? लेके ही नहीं गए कभी। तो मतलब आपका सोनालिका कंपनी से कोई टच नहीं रहा आज तक? एजेंसी वालों की क्या सुविधाएं हैं सोनालिका वालों की, कभी आपने नोटिस नहीं किया? जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। हाँ, वैसे एजेंसी में काफी लेबर चार्ज भी आई रहते हैं। तो जब आपने लिया ट्रैक्टर तो इसमें टायर कितने थे? लगभग 90% 90% टायर थे। और कितने साइज के थे? 14 9 28। अच्छा अच्छा, और अभी भी 14 9 28 के हैं। कितनी बार चेंज करवा लिया आपने? एक बार। और कितने HP का ट्रैक्टर है ये? 50 HP। पूरा 50 HP का। वाटर कूल्ड है कि एयर कूल्ड है? कूलेंट डलता है क्या इसमें? कूलेंट तो सभी में डलता है आज के लिए। कूलेंट वाला है ये? रेडिएटर सूखा है कि ऑयल वाला? एयर फिल्टर सूखा नहीं, एयर फिल्टर तो इसमें ऑयल वाला है। फिल्टर ऑयल वाला, ऑयल वाला है। हाँ। और बैटरी वगैरह इसकी कैसे चलती है? ये आपने लिया था वही बैटरी अभी तक? दूसरी है। अच्छा अच्छा। और सेल्फ वगैरह इसकी? सेल्फ वगैरह सब ओरिजिनल, सब वही ओरिजिनल है। खराब हुई अभी तक? एक आध बार बीच में छोटी मोटी कुछ कमियां आ जाती है तो वो तो ठीक करवानी। अच्छा बलविंदर जी, ये कितना लीटर खाता है डीजल, क्या एवरेज है इसका? औसतन एवरेज पर एकड़ 2 से 2.25 लीटर। और ये एक एकड़ कितनी देर में निकाल लेते हो आप? 20 से 21 मिनट। और इसमें जो इंजन का जो ऑयल है वो कितना आता है इसमें? 14 लीटर 14 लीटर इंजन में ऑयल आता है? इंजन में। और गेज में कितना ऑयल आता है? कौन से गेज में? यहाँ पर गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स में हाइड्रोलिक्स का 85 लीटर। अच्छा अच्छा, 85 लीटर। ये तो बहुत ज्यादा बाकी ट्रैक्टरों से। तो सर्विस तो इसकी काफी महंगी पड़ जाती होगी? सर्विस महंगी को मत देखो ना, स्पेयर पार्ट को देखो, जिंदगी में कभी आज तक खराब ही नहीं हुआ। अच्छा, अभी आज की पोजीशन में इसकी सर्विस करवाई जाए, ऑयल चेंज करवाए इंजन का, तो कितने रुपए में सर्विस हो जाती है इसकी, फिल्टरों सहित? 3500 से। लेबर चार्ज के सहित? लेबर चार्ज सहित 3500। और रोड में क्या एवरेज देता है ये? रोड में 6 किलोमीटर पर लीटर। रोड की एवरेज काफी कम है इसकी। 6 किलोमीटर मतलब पर लीटर? ये 6 किलोमीटर चलेगा तो 1 लीटर खाएगा? मतलब ये कह सकते हैं पिकअप के जितना एवरेज है इसका, बड़ी पिकअप के जितना? ट्रक इतना तेल खाता है रोड, ट्रक के जितनी है। ओलेज में कि बिना उसके? ट्रॉली के साथ। ट्रॉली के साथ सूखा नहीं? इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है ट्रैक्टर की, कभी भी खेत में टेढ़े मेढ़े खेत रहते हैं किसानों के, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सब ऊंचे नीचे खेत रहते हैं जी, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, तो ऐसे खेतों में ट्राली फसल कोई भी निकालते हैं तो ये ट्रैक्टर सामने से उठता नहीं है। अच्छा, सामने वजन ज्यादा है इसमें? सामने से लंबाई ज्यादा है ट्रैक्टर। अच्छा, लेंथ अच्छी है? लेंथ बहुत अच्छी है। तो ये पावर स्टीयरिंग मॉडल है? नहीं, सिंपल PTO रिवर्स। PTO रिवर्स है इसमें? है। और 540 डबल क्लच है? डबल क्लच, ड्यूअल क्लच है? डबल क्लच। और ब्रेक कौन सी, ऑयल वाली की? ऑयल ब्रेक। ऑयल ब्रेक, तो ब्रेक में कैसे कोई समस्या आई अभी तक? कोई समस्या नहीं। गियर बॉक्स में? कोई समस्या नहीं, शानदार ट्रैक्टर। और चलाने में थकावट कैसी हुई आज तक? हमने तो थकावट हुई नहीं। अच्छा अच्छा, सामने वजन कितना है ट्रैक्टर का लगभग? एक्स्ट्रा वेट नहीं है कोई भी? कोई वेट नहीं है, 1 किलो भी नहीं है। सर्विस पॉइंट कितने हैं इसके, ग्रीसिंग पॉइंट? गिनती नहीं मारी। तो ग्रीसिंग कितने घंटों में आपने लगभग की इसमें? अपनी मर्जी से हाथ में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, जब जरूरत दिखती है तब मार देते। आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट चलाए इसमें अभी तक? लगभग सभी औजार चलाते हैं। रोटावेटर कितने फिट का? 8 फिट तक का रोटावेटर चलाते हैं। और लोड? फुल लोड। ज्यादा कोई डीजल तो नहीं खाता उसमें? कोई एक्स्ट्रा। क्लाउ कितना चला लिया आपने? खूब चला लिया हमने तो, जितनी जमीनें सीधी कर दी लिमिट। नहीं मतलब कितने इसका चलाया हल्का प्लाउ? 3 का भी 2 का भी। 3 वाले में कैसा है इसका परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया।
दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर प्लाऊ ये वाला ये यूज करते हैं। और क्या क्या चलाया आपने? हैरो चलाई? हैरो कितने की? 8, 16 की हैरो। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो हैरो भी। और गोड़ी? गोड़ी गोड़ी तो ये लगी हुई है, ये लगी हुई है 7 फीट की है अपने पास अवेलेबल में। 7 की है कि 7.5 है? ये तो आप मालिक हो, आप ही बताओ। 7.5 मतलब 7.5 फीट की। डोजर कभी ट्राई नहीं किया आपने इसमें? नहीं नहीं कभी डोजर नहीं। और क्या क्या चला लिया आप ऑलेज मतलब ट्राली कितने फीट की चलाते हैं? ट्राली हमारे पास 12x6 की ट्राली है। और ऊपर कितने? 5 फीट की आई। मतलब वो पूरा ऑलेज कितना आएगा उसमें मटेरियल? लगभग 220 मन के आसपास गेहूं आ जाती है उसमें। 220 मन मतलब 250 फीट की ट्राली है? लगभग 250 फीट 250 फीट की ऊपर तक। कोई इसमें वजन कितना लोड लगता है फिर इसमें 250 फीट में लोड में? कोई एक्स्ट्रा लोड? अब जैसे खेत में आप बराबर कर रहे हो यहाँ पर जमीन, जमीन को बराबर करोगे तो आप 250 फीट अभी मिट्टी भी भरोगे इसमें? नहीं भरेंगे, 250 फीट मिट्टी नहीं खींचोगे? मिट्टी नहीं, अनाज के अनाज के लिए ऊपर सकंजा लगा रहता है अलग से। तो मिट्टी कितने फीट तक भरोगे आप अभी? मिट्टी उसमें 150 फीट। और 150 फीट आप इसी ऊपर खाबर जमीन में चलाओगे? उठेगा ट्रैक्टर आगे से? नहीं उठेगा। आपने पहले भी जमीन लेवल की होगी? बहुत सारी जमीनें लेवल की। दिन में आपने लगभग कितने घंटे चला लिया इस ट्रैक्टर को? हम तो लगातार चलाते ही रहते हैं फिर भी लगभग कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि 15 घंटे लगातार चलाते ही रहते हैं। दो ड्राइवर हो जाए तो? डबल ड्राइवर रखते हैं। अच्छा, तो गर्म हो जाता है ट्रैक्टर? नहीं कभी कभी नहीं होगा। मतलब परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हो सोनालिका? मैं संतुष्ट। अच्छा, अगली बार जैसे आप ट्रैक्टर लेना हो आपको तो आप ये सोनालिका ही प्रेफर करेंगे कि दूसरा लेंगे? मुझे बड़ा ही ट्रैक्टर पसंद है सोनालिका में, 50 HP 60 HP। और कंपनी में आपको? कंपनी में यही सोनालिका। आपने कोई दूसरी कंपनी का भी चलाया पहले? चलाए हैं बहुत सारी। इतना ही HP में? नहीं कम HP में चलाए। उनमें कैसा अनुभव था आपका? मुझे वो खिलने जैसे लगते। मतलब खिलौने जैसे? खिलौने जैसे लगते। अच्छा, छोटे ट्रैक्टर है इसलिए ये। मतलब ट्रैक्टर में जब आप ऊपर बैठते हो इसमें तो लगता है कि मैं हैवी ट्रैक्टर चला रहा हूँ 50 HP का? केवल लगने से नहीं, काम करते हैं ना औजार को इतना गड़ा के जमीन में ठोक देते हैं कि बिल्कुल पता चल जाता है ट्रैक्टर को भी और मुझे भी भैया काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है, काली मिट्टी, यहाँ पर आपने कितने फीट का सॉरी कितने हल का कल्टीवेटर चलाया? 11 का। और 11 का कल्टीवेटर कितनी डेप्थ में गहराई? 8-9 इंच। कोई लोड? स्लिप टायर? टायर स्लिप कितने मारता है ये? बहुत कम। और RPM कितना तोड़ता है? नहीं तोड़ता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग फिर भी थोड़ा बहुत तो सभी ट्रैक्टर तोड़ते हैं। कम हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा RPM नहीं तोड़ता ज्यादा। तो आपने इसको 2000 RPM पे कभी चलाया? कभी जरूरत पड़ेगी हो चलाते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत कम। नॉर्मली 1500-1600 RPM में चलाते हैं। इससे ज्यादा अगर चलाएंगे तो हमारी मशीनरी खराब होगी, उसका डीजल ज्यादा खाएगा, उसका भी नुकसान भी होगी। तो आप क्या कहना चाहते हो किसान भाइयों की? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सोनालिका 750 का मुकाबला नहीं है कोई, और ट्रैक्टर को मतलब 1500-1600 RPM पर ही चलाएं। नॉर्मल RPM पे चलाएं, अच्छी एवरेज देगा, औजार भी नहीं टूटेंगे, बहुत शानदार। और ज्यादातर मीडियम किसान है हम लोग, ज्यादातर कोशिश करें कि हम खुद चलाएं, ज्यादा ड्राइवरों के भरोसे न दें उसको, मीडियम किसानों के लिए। हाँ, जो मीडियम से चलाना ही पड़ता है, ड्राइवर को चलाना ही पड़ेगा। लेकिन मीडियम किसान है हम लोग, मीडियम किसानों को ज्यादातर कोशिश करनी या सामने खड़े रह के चलवाएं जी। सबसे बड़ी समस्या आज के जमाने में यही आ रही है कि ड्राइवरों के भरोसे छोड़ देते हैं और खेत में मालिक जाके देखता नहीं है, तो बहुत सारे ड्राइवर जानबूझ के गलत तरीके से यूज करते हैं और उसका टूट फूट का खामियाजा मालिक को भुगतना पड़ता है। और ये मीडियम किसान इस जो टूट फूट का जो खामियाजा होगा उसको सहन नहीं कर, भारी पड़ेगा, वो भारी पड़ता है। बड़े किसान तो मैनेज कर लेंगे। चलिए ठीक है, बलिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने ट्रैक्टर की जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।